हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक फ्री ऑफ कॉस्ट लोगो को बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए। आपको लोगो बनाना आता है या फिर नहीं आता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बने बनाए टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे। हमें सिर्फ अपना नेम चेंज करना है। अगर आपके पास स्लोगन है तो वो डाल लीजिएगा, और अगर आपको थोड़ी बहुत और चेंजेस करने हैं जैसे कि एलिमेंट्स ऐड करना है या फिर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आप वो भी कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 फ्री लोगो मेकिंग वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ। वो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, वो आप अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली वेबसाइट है उसका नाम है canva.com। तो आप अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को खोलिए, उसके अंदर canva.com को खोलना है। उसके बाद आपको जो राइट हैंड कॉर्नर पे 3 डॉट्स दिख रही हैं उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। तो आपके फ़ोन में जो वेबसाइट है वो एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की तरह खुल जाएगी। तो जैसे मैं यूज़ कर पा रहा हूँ अपने लैपटॉप पे, आप भी अपने फ़ोन में वेबसाइट को उसी तरह यूज़ कर पाएंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास वेबसाइट का ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन जो दिख रहा है उस पे सर्च करना है लोगो, और लोगो को सर्च करने के बाद हमें जो लोगो वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ चुके हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने लोगो के लिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक लोगो पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है टेम्पलेट्स, यहाँ पे आप अपनी नीच के हिसाब से टेम्पलेट्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप गेमिंग का लोगो बनाना चाहते हैं तो यहाँ गेमिंग को सर्च कीजिए, और आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना नाम चेंज कर लेता हूँ और ये लोगो तैयार हो चुका है। अगर आपको कुछ और चेंजेस करने हैं जैसे कि इसका एक कलर चेंज करना है तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए, और ये जो ए वाला बटन है टेक्स्ट कलर उस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप जो भी कलर चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आप शेयर पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपको इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए तो इसके लिए आपको कैनवा का प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा। तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ से कि आप लोगो के पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे फ्री में हटा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो मैं इसे यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स भी यूज़ करने हैं तो एलिमेंट्स पे जाके आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी अपने लोगों को साथ चेंजेस कर सकते हैं। आपको जैसा भी लोगो बनाना है एलिमेंट्स में जाइए, कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर लीजिए। आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। आपको अगर लोगों का बैकग्राउंड चेंज करना है तो मोर पे जाके आप बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। तो इसे डाउनलोड आप PNG फाइल में ही कीजिएगा, क्योंकि PNG फाइल की जो फॉर्मेट होती है वो अच्छी होती है। आपको जो बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा उसमें भी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। अब दूसरी वेबसाइट पर चलते हैं जो कि है designevo.com। यहाँ पे भी आपको साइन अप कर लेना है। मैंने साइन अप कर रखा है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपको वेबसाइट का ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आप मेकर लोगो पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे भी हमें टेम्पलेट्स मिल चुके हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ लेफ्ट साइड में आप अपनी नीच के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसा टेम्पलेट चाहिए। तो मैं टेक्नोलॉजी की वीडियोस बनाता हूँ तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ चुके हैं जिन्हें कि मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने लोगों के लिए। तो इसमें से मैं कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आए आप उसके ऊपर जाइए और कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए। तो इसके बाद मैं यहाँ पे अपना नाम चेंज कर लेता हूँ। और अगर आपको कोई और शेप चाहिए या फिर कोई आइकन चाहिए आपको तो आप वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आप कोई शेप लगाना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं आप यहाँ से वो भी चूज़ कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। तो लोगो डाउनलोड करने के लिए आपको जो वेबसाइट का लिंक है वो अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना पड़ेगा, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे। तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड लो रेजोल्यूशन फ्री लोगो, आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी तीसरी वेबसाइट है वो है hatchful.com। आपको यहाँ पे भी साइन अप करना है। आप अपने जीमेल से भी यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के आपको यहाँ पे कैटेगरीज पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी के बारे में अपना लोगो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और आपसे यहाँ पे स्टाइल पूछ रहा है कि आपको किस स्टाइल में अपना लोगो चाहिए। आप यहाँ पे 3 चूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो भी पसंद आए आप वो चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक, क्रिएटिव और मॉडर्न का चूज़ कर लेता हूँ। अब दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम या फिर अपने चैनल का नाम लिखना है तो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे आप अपने लोगो के लिए स्लोगन लिख सकते हैं अगर आपके पास है तो। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और अब आपको यहाँ पे बताना है कि आप इसको कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो मैं पहले दोनों यूज़ कर लेता हूँ, ऑनलाइन स्टोर और सोशल मीडिया को। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स ऐसे दिख जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। एडिट लोगो पे क्लिक करते हैं। अगर आपको कोई और फ़ोन का डिज़ाइन चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइन दिख रहे हैं। आप इसमें आइकॉन ऐड करना चाहते हैं कोई और, तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और लेआउट्स में आपको और अलग ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें कि आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो ये लोगो रेडी हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और ये जो लोगो था वो आपकी जीमेल पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा मेल आ चुका है। तो हम इसको ओपन करते हैं और अब हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो अब हम इस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर सबके लिए आ चुका है। तो आप इसे जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट में भी डाउनलोड हो जाता है। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो वो भी आपके लिए डाउनलोड हो चुका है फुल HD क्वालिटी में। आप इसे ही ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है लोगों का। तो आपको ये वेबसाइट पर जाना है photoroom.com। आपको ये बैकग्राउंड रिमूवर जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फोटो को सिलेक्ट करना है जिससे कि आपको रिमूव करना है बैकग्राउंड को। तो मैं यहाँ पे अपने लोगों को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैंने कैनवा से डाउनलोड किया था अभी। और आप देख सकते हैं कि वेबसाइट खुद ही लोगों का बैकग्राउंड हटा दिया है। तो अब हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। उसे डाउनलोड करके आप जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी किसी भी फोटो से बैकग्राउंड को हटा सकते हैं और बैकग्राउंड को हटाने के बाद उसे जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए या फिर सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिए लोगो को बना सकते हैं। जो तीनों वेबसाइट्स मैंने आपको बताई थी वहाँ से आप अपना लोगो क्रिएट कीजिए, उसे डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको अपने लोगों से बैकग्राउंड को रिमूव करना है या फिर किसी और फोटो से बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो आप photoroom.com पे जाइए और वहाँ पे अपने फोटो से बैकग्राउंड को रिमूव कर लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।